गुड मॉर्निंग गाइज, नित्या टीवी के एक और धारावाहिक और नवरात्रि के फोर्थ डे में आपका स्वागत है। हम लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी, मतलब इस घर के तीन प्राणियों में से दो प्राणी नहा धो के रेडी हो गए हैं, एक अभी भी उबासियां ले रहे हैं। दूसरा प्राणी जो रेडी हुआ है प्लीज इधर आ जाए। अभी आप चल के आ रही है। कौन सा प्राणी रेडी हो गया? दूसरा सेकेंड प्राणी कौन सा है? कौन सा वाला प्राणी है? ये वाला प्राणी है। आप प्राणी हो? आप क्या बने हुए हो आज सुबह से? क्या बने हुए? गर्ल वाला टॉप? नहीं नहीं, मैं आपको क्या सुबह से, आप मेरे को क्या बोल रहे हो? कौन हो आप मेरी? आप बताओ इतनी देर से मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप मुझे क्या बोल रहे हो? लूसन मैया। जब सुबह से आज तैयार होके बोल रही है मैं आपकी मैया हूँ, मेरे को मैया बोलोगे? और मेरी मैया क्या खा रही है जरा दिखाएगी? मेरी मैया क्या है ये? खजूर। मैया खा रही है खजूर। मैया मुझे भी खिला दे खजूर। मैया अरे मेरे को नहीं खाना, तू मेरे को खिला देता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को पारा भाभी लगता है। सो गाइज आज जा रहे हैं, अभी कंगी वंगी करनी है मेरे को, आज जा रहे हैं मम्मी के घर। एंड यस, आपकी नानी मेरी मम्मी तो लगती है ना, पर आपकी नानी है मेरी तो मम्मी है ना, समझ आई आपको ये बात? और आज एक काम करना, आपने जब नानी हाउस जाओगे ना तो उस दिन नानू कह रहे थे इतना बड़ा आदू को कैसे याद होगा, आज हम वो सुनाएंगे वहां जाके। सुनो सुनो भाई सुनो, सुनाओगे? नाटक तो नहीं करोगे पक्का? टीत में चिपक रहा है ये, अभी ठीक हो जाएगा। सो बस नोनू रेडी हो जाए फिर हम लोग निकलते हैं। 12:30 तो हो गए हैं, पर चलो नोनू भी 10-15 मिनट में रेडी हो ही जाएगा, फिर हम निकल जाएंगे, फिर वहां आगे जाके व्लॉग हम करेंगे वहां पे। और नवरात्रि का फोर्थ डे पे कौन से रूप की पूजा होती है वो सब भी आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज आदू सो गई थी और मैं मतलब उसके ऊपर सो गई है, मैं नीचे आ गई हूँ और ये जिस कमरे में बैठी हुई यही भाई का ऑफिस है। मतलब ऐसे तो ऑफिस जाता है वर्क फ्रॉम होम, जब होता जाता है उसका वर्क फ्रॉम होम रहता है तो वो यहाँ पे बैठ के करता है, बट आज संडे है उसकी छुट्टी थी तो रूम पूरा खाली था, तो मैंने कब्जा कर लिया आज रूम पे, मस्त अपना लैपटॉप वैपटॉप यहाँ पे सेट कर दिया, सारा काम वाम लेके आई थी क्योंकि मैं घर से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है यार करने को। अक्टूबर का शेड्यूल इतना टाइट मैंने बनाया हुआ ना कि मेरे को एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, तो मैं अभी भी काम लेके आई थी, मुझे पता आदू दोपहर को सो जाएगी शाम को भी लगी रहेगी, तो इसलिए मैं सारा काम साथ ले आई थी। और इससे पहले कि मैं काम शुरू करूं मेरे को याद आ गया कि मेरे को आपको वो बताना था, तो मेरे ज्ञान का टाइम आ गया देने का। तो आज है नवरात्रि का फोर्थ डे एंड आज जिस रूप की पूजा होती है वो है देवी कुष्मांडा। सो ऐसा कहा जाता है कि शी यूज टू रिसाइड, मतलब सन का जो सेंटर होता है वहां पे वो रहती थी एंड शी वॉज द ओनली वन, क्योंकि सूरज का इतना तेज होता है उसको बर्दाश्त कर पाना वहां पे रहना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऑफकोर्स, तो वो वहां पे रिसाइड करती थी। एंड ऐसा कहा जाता है कि जब एक टाइम आया था कि बहुत ज्यादा अंधकार हर जगह फैल गया था, तो उनकी स्माइल से दोबारा से जो ब्रह्मांड की स्थापना हुई थी वो हो पाई थी। एंड ऑल्सो उनका अगर आप पिक्चर वगैरह देखोगे ना तो उसमें आपको दिखेगा देयर आर टोटल 8 हैंड्स और हर हाथ में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चीज है, किसी में कमल है किसी में गदा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग। तो उनके क्योंकि 8 हैंड्स है तो एक उनका नाम जो है वो है देवी अष्टभुजा, तो देवी अष्टभुजा नाम इसीलिए क्योंकि उनके 8 हैंड्स हैं। एंड ऑल्सो उनकी जो सवारी है वो शेर है, मतलब वो शेर पे सवारी करती है, तो दिस इज वॉट आई रेड। तो आज का दिन है देवी कुष्मांडा का। अब इस ज्ञान के साथ मैं अपना काम शुरू करती हूँ, थोड़ा सा क्या बोलते हैं मैथ्स और साइंस के ज्ञान पे वापस चले जाती हूँ। अब बाकी जब आधु आधु उठेगी तब तक तो मैं काम करने ही वाली हूँ, फिर जाऊंगी ऊपर एंड फिर करते हैं आगे हम काम। क्या करके आए हो बेटा, ये क्या डाला है? कटोरियाँ भर ली टी शर्ट के अंदर, ये देख लो ये करती है सारा दिन, और डांट मेरे को पड़ेगी ये कटोरियाँ इससे हाथ से ली क्यों नहीं, मम्मा आके मेरे को डांटेगी कि ये कटोरियाँ आदू से ली क्यों नहीं आपने, टूट जाएंगी कटोरियाँ या आदू के लग जाएगी, आपने क्यों कटोरियाँ भरी हुई हैं इसमें, मेरे को दे दो सारी। और गाइस शाम हो गई है, तो आज शाम क्या रात ही हो गई, 8 बज गए हैं और यहाँ पे चल रहा है मैच इंडिया वर्सेज बांग्लादेश, और नहीं यार हमें लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता बट फील नहीं आ रही यार रोहित और उसके बिना ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस से आने में, बट एक ना फील्ड पे जो रोहित और कोहली को जो बार बार देखते थे ना तो एक थोड़ा सा बना रहता था कि कुछ होगा, बट अभी तो वो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा पता नहीं बच्चे से खेल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं आ रहा है इतना है। आदू सुनो, मैच देखने में मज़ा आ रहा है आपको? आपको आ रहा है? आप इस जनरेशन के हो ना बेटा, पुरानी जनरेशन के होते तो आपको समझ में आता,
हमारे से जो बड़ी वाली जनरेशन थी उन्होंने सचिन के और कपिल देव के रिटायर होने पे छोड़ दिया था, और हम शायद कोहली और रोहित के रिटायर होने के बाद छोड़ ही देंगे बिल्कुल ही। देखना क्या देखना छोड़ देंगे मैच क्यों? कोहली और रोहित के बिना मजा ही नहीं आ रहा। बुरा लग रहा है मेरे को आपके लिए, बहुत बुरा लग रहा है। अरे मेरे को भी लग रहा था जब आपने कहा ना मैच में निर्गमन से, मैंने पूछा विराट कोहली और रोहित ने कह रहा दोनों रिटायर हो, मैं तो है कौन टीम में, मैं सिर्फ हार्दिक पांड्या को जानती हूँ। सारे नए नए प्लेयर है ना, दिख मानसी की आती सारी कटोरियां बाहर निकाल दी थी, अब देख फिर भर ली टी शर्ट के अंदर। मम्मा के सामने क्यों नहीं भरी थी फिर? गुस्सा करती ना मम्मा है ना, और फिर अगर हम करते हैं तो मेरे सामने क्यों फिर ऐसे करते हो? पापा डांटते नहीं है? नहीं आया बड़ा, पता है मेरे को देख लिया मैंने आप जो लल्लू वाली हरकतें कर रहे हो। कटोरिया ऐसे टी शर्ट में भरने के लिए होती है। वेरी गुड बेटा। और खाना किस में खाते हैं फिर? कपड़ों में? पेटू में? हाँ। खाना भी पेटू में ही खाते हैं, इसलिए कटोरिया यहीं भर लो। वेरी गुड आदू। कटोरिया खाते हैं? अच्छा कटोरिया खाते हैं। हाँ। किस में डाल के खाते कटोरिया? खाने में डाल के खाते हैं। हाँ गाइस खाने को नहीं खाते गाइस, बर्तनों को खाते हैं। स्टोन पेपर सीजर ठीक है, जो जीतेगा कटोरिया सारी उसकी। ठीक है चलो, रॉक पेपर सीजर। ओ भाई तीन गेम कहा था, हेलो थ्री गेम बोला था मैंने, अभी आप वन जीते हो। इधर आ जाओ, इधर अभी आप वन जीते हो। चलो रॉक पेपर सीजर, ये बाद में निकालती है। चलो रॉक पेपर सीजर, दो तो जीत चुकी है। रॉक पेपर सीजर, ये कैंसिल हो गया। रॉक पेपर सीजर, भाई मैं नहीं जीत पाता भाई इससे, मेरे को नहीं पता क्यों बाप इतना भी ज्यादा बाद में नहीं निकालती, बट मैं नहीं जीत पाता। आदू कटोरिया दे दो मेरे को। क्यों? तो अगर आप जी आप हार जाते तो आप मेरे को दे देते? कभी भी नहीं देते, आपने रोना शुरू कर देना था अगर आप हार जाते तो। ठीक है कम नौटंकी करा करो थोड़ी सी आप। हाँ। रख दो साइड में, टूट जाएंगी कटोरियां। तो मम्मा को बुलाता हूँ। मम्मा आदू देख लो कटोरियां नहीं रख रही। आ गई मम्मा, आ गई। घबरा गया। ये गौरव आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। एक एक बंदे का डर तो होना चाहिए बेटा, बहुत बढ़िया। सो गाइस फेस्टिव सीजन आ गया है, वेडिंग सीजन आ गया है, और मैं अपना ढेर कपड़ा लेके आ गई हूँ अपने टेलर के पास। मैं आप लोगों को अपने टेलर से मिलवा देती हूँ, माय वन एंड ओनली टेलर। हेलो मैम, कैसी चल रही है आपकी दुकान? बढ़िया जी, बढ़िया। तुम्हारी बढ़िया फेस्टिव बोनी कराने आए हैं हम। हेलो गाइस, आपको भी कपड़े सही कराने हो तो आ जाना है। सच में ऐसे कह रही, सेम बुटीक हो इनका। तो मेरे ना जितने भी आउटफिट्स वगैरह होते, चाहे मैं ऑनलाइन मंगाऊँ चाहे इवन ऑफलाइन भी लूँ ना, तो जो उसकी फिटिंग वगैरह मोस्टली होती है मम्मी से ही कराती हूँ। तो अब तो इतना ढेर कपड़ा, मैं दिखाऊँ थोड़ा सा? ये देखो ये पूरा बैग भर के आया है आज, जिसमें मेरे करवा चौथ वगैरह के लिए कपड़े, दिवाली के लिए कपड़े, और अभी आगे शादियाँ आ रही हैं, सब कपड़े यहाँ ठीक करा के लेके जाऊँगी मैं। ठीक है आदू? हेलो, क्या हो रही है? किससे बात हो रही है? अरे काश्वी से बात हो रही है। अच्छा काश्वी से बात हो रही है, क्या बात कर रहे थे? मैं नहीं बता सकती अभी, मैं कॉल कर रही हूँ। पर्सनल बातें हैं क्या आपकी? नहीं। फिर अब मैंने वीडियो कॉल करी है। अच्छा वीडियो कॉल करी? वीडियो कॉल नहीं करी। फिर क्या कर रहा है? नॉर्मल कॉल करी है। हाँ। कर लो बात, चलो मैं डिस्टर्ब नहीं करती। हेलो, हाँ, क्या हुआ? अरे हाँ पुलिस, क्या हुआ? किससे बात कर रहे? पुलिस से। पुलिस को क्या फोन कर दिया? पुलिस को इसलिए फोन कर दिया, मेरे को गुस्सा करता। किस लिए फोन कर दिया पुलिस को? आप मेरे को गुस्सा करते हो तो आप पुलिस को बुला लोगे? हाँ। फिर पुलिस मम्मा को जेल ले जाएगी। मैं रावण को बुला दूंगी। चलो पुलिस जेल ले जाएगी तो रावण को बुला दोगे? हाँ। अगर आपने पुलिस को बुलाया ना, फिर पुलिस मम्मा को अपने साथ ले जाएगी। अच्छा। फिर क्या करोगे आप? मैं रावण को बुला दूंगी। तो रावण क्या करेगा? रावण आपकी आपकी पूछ होगी ना, हनुमान जी बन जाओगे ना। अच्छा। आपकी पूछ पे ना आँख लगा देंगे। ये जो रात को आपको रामायण की कहानियाँ सुनाई थी, आप सारी इसमें डाल दोगे क्या? हाँ।
आपकी पूछ को आग लगा देगा। पुलिस को क्यों बुलाते, कोई पुलिस को बुलाते तो छोटा बेबी, फिर मेरे को क्या है, पुलिस गाई जब मेरे को पुलिस ले जाएगी फिर मैं जली जाऊंगी। अब आदू अकेली रहेगी क्योंकि आदू पुलिस को बुला रही है। मैं नानी के साथ रह लूंगी। चलो शाबाश है बेटा। हेलो बाय गाइस, व्लॉग को कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। कैंड अगेन बाय बाय। सो गाइस घर आ गए थे हम लोग और यहाँ पे अब चल रहा है बॉलिंग, देखते हैं कौन जीतता है। बिल्ली को बन गई क्या? अरे वो मैंने बाहर हेडबैंड लगाया। चलो पहले लड़ लो तुम लोग, किसकी बारी है? पहले आपकी बारी है। सारी गिरा पाओगे या नहीं गिरा पाओगे? सो यहाँ पे ये बॉल सेट हो चुकी है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे उसको करके दिखाओ ना पहले, इसमें वैसे भी एक कम है ये। कोई नहीं, चलो नीचे बैठ के करो ना, आप भी खड़े हो क्यों कर रहे हो? ऐसे करके फेंकना ठीक है। वेरी गुड, आप कह रहे बच्चे को सिखा रहा था मैं। ये वाली बॉल इसकी नहीं है यार, ये वाली थी। अरे इतनी बड़ी से तो, इतनी बड़ी बॉल लोगे तो सारी गिर जाएंगी। दूर से दूर से, ओ चीटर। ये वाली लाइन है, लाइन से पीछे आ जाओ, इस वाली लाइन से पीछे आ जाओ बेटा। चलो अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो बैठ, ये मैट भी हटा दो यार। बेटा लाइन से आगे निकल गए आप तो। बेटा हाँ यही बैठ के ही कर लेना, पूरी आगे आई जा रहे हो। यहाँ से मारो। चलो यार वैसे वो बच्चा है उसको, वो कैसे मार रही है? शाबाश, एक ही बंदा है जिसको टारगेट करना है। शाबाश, ये लो चलो, थ्री चांस मिलेंगे आपको। अब ये आपके टू चांस बचे हैं। चलो अरे तो आपके और उसकी एज डिफरेंस देखो ना। हाँ तो इस पे मानना है आपको, इस पे हिट करना है। देख के फोकस फोकस। ओ चलो एक चांस और देते हैं फोकस पे। चलो आगे देखो मम्मा का है। मम्मा दिखा रही थी आदू, मम्मा ने सारी गिरा दी। चलो चलो जी, लानत है। चल चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरी अपनी लड़की है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या बेटा, किसी से तो गिर रही है, कम से कम किसी से तो गिरने लो। अपनी वाली गिरा, अब मैंने गिराया। बॉय सॉ, अब मेरी बारी है। चलो हटो, क्यों तेरी बारी भाई? मेरी बारी है, चलो आपकी बारी। अरे आपकी तो फोर बारी हो गई, अब पापा की बारी है। आप यहाँ बैठ के देखोगे और अगर पापा ने चीटिंग करी तो बता देना। तो अगर मैंने हिट किया तो आप क्लैपिंग करोगे? ठीक है ठीक है। वन टू, गुड जॉब डन। चलो हो गए, जिसका एक बारी में हो गया उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अच्छा इसी से ही देख गिरेगा क्या? चलो शाबाश है, वो अभी भी बची हुई है भाई। तीन बारी है। अगू देखो, रुको रुको, अभी वन बची है पापा की। मेरी लास्ट बारी है। अरे सुनो, पापा की थ्री बारी है और उसके बाद वैसे भी मम्मा की बारी है। चीटर्स हट जाओ, कैरी लो बाबा, बारी पूरी हो गई आपकी, वापस लगाओ। आगी थ्री चांसेस मिलते हैं पापा को, सारे गिराने हैं। चलो पापा अब देखो, अब थोड़ा पीछे हो जाओ, लेट्स सी पापा क्या करते हैं। पापा बॉल फेंक। शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है। नहीं गिरी ना? चलो सारी गई है और आपकी तीन बारी में भी नहीं गई थी। मेरी बारी में बॉल भगा दी अभी। गई कहाँ वैसे बॉल? पर यार बड़ी बड़ी अगर एक बार बताओ, एक बार बताओ, जैसे मेरी एक बारी में चली गई तो मेरे को बाकी दो बारी नहीं मिलेंगी। इसलिए जब भी मैं बॉलिंग करने जाता हूँ ना, तो वहाँ जो पैसे लगते हैं तो मैं कभी भी पहली बारी में नहीं गिरता। मतलब पैसे लगते हैं? मतलब जैसे ऐसे लगता है ना, आप बॉलिंग करने जा रहे हैं, 700-800 रुपए पर बंदा लग रहा है, ठीक है? हाँ। तो अब जैसे अगर तुम एक बार में मारते रहोगे हाँ। तो एक बारी मिलेगी, लेकिन अगर आपकी एक बारी में चली गई तो स्कोर ज्यादा होता है। स्कोर से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो बॉल फेंकने से मतलब है। तो अकेला बिना पैसे दिए बॉल ले खेलता बेहतर आकर। बिना पैसे दिए तेरे को घुसने भी नहीं देंगे। मेरे को तो हर जगह घुसने थे। मेरी स्किल्स देख ली गाइस, आप लोगों ने मेरी स्किल्स देख ही ली होंगे। वो क्या बोलते हैं, विनर को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलो चल, बस बस बस, रोना नहीं है। रोता क्यों है तू? चल चल चल, रोते नहीं है, रोना नहीं। नौ मेरा बच्चा नहीं रोते ना, पता है
2016 वर्ल्ड कप में ना बांग्लादेश जब इंडिया से खेल रही थी ना, तो मुश्ताकुर रहमान ने भी ना ऐसे जैसे सेलिब्रेशन तू कर रही है ना वैसे ही करा था। किसने? जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो समझ गए। चल रो मत, चल चल पागल मेरा बेटा। तुम लोग मेरे को काम क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि हम लोग एंड करने आए हैं। एंड करने आए हो लोग? यस। क्या व्लॉग बनाने आए हो? नहीं, व्लॉग एंडिंग करने आए हैं, फिर हम निन्नी करने जा रहे हैं। अच्छा। हम दो शरीफ बच्चे घर के सोएंगे। कल आदो को स्कूल भी जाना है। यस। और अब क्या टाइम हो गया? 11 बजे बेटा, वो सैटरडे को जाना था, वो हो गया। जैसे गरबा कॉम्पिटिशन में तुम्हें बुलाया था, भांगड़ा कॉम्पिटिशन में हमें नहीं बुला सकते? गरबा कॉम्पिटिशन तो नहीं था, मतलब गरबा करने के लिए तुम्हें बुलाया था, भांगड़ा करने के लिए हमें बुलाया। कल पहुंचो। पहुंच क्या जाओ? भांगड़ा कर ले। नहीं नहीं, ऐसे इनविटेशन आना चाहिए ना। सो गाइस, आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। तब तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय। बुड्डी 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 बुड्डी। अच्छा, जो गाइस होते हैं वो सुस्ती होते हैं। जो गाइस होते हैं वो दवाई दवाई का क्या ही है ना अभी? गाइस दवाई होते हैं। कड़वी दवाई होते हैं, मीठी दवाई होते हैं? ये बता दो। मीठी दवाई, मीठी दवाई होते हैं। दवाई कड़वी दवाई नहीं, मीठी दवाई होते हैं। पहले मीठी दवाई होते हैं गाइस, बहुत अच्छे होते हैं गाइस। और गाइस हमें मिलते भी रहते हैं गाइस, जो जो लोग, जैसे कई बार हो जाता है ऐसा, हम लोग कहीं पे गए हैं और वहाँ पे लोग, क्योंकि अब आदू को जानते हैं और हमें भी थोड़ा बहुत जानने लग गए हैं, तो लोग आके अप्रोच करते हैं, तो हम मिल लेते हैं अच्छे से। बट कभी भी रोड साइड पे, अगर जैसे रोड पे एक दो बार हुआ ऐसा कि हमें लोग मिले हैं और हम क्योंकि बीच ट्रैफिक में होते हैं तो नहीं रुक पाते हैं कभी कभार, तो प्लीज उस चीज का बुरा मत मानना, बिकॉज ट्रैफिक के बीच में आपको पता है बीच रोड पे छुट्टी रुकना बहुत मुश्किल होता है, बाइक रुकना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच व्लॉग देखने के लिए, आपकी शुक्रिया की जय। मिलते आप लोग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।